नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मंच में। मैं नाम ऋषि राजकेश ब्रह्म, बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल पे अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो ऐसे में क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, किस तरीके से आप लोग को आवेदन प्रक्रिया करना है, क्या आप लोग वहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग वहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। खासकर मैं यहाँ पे आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें जो डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या लगाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे अपलोड करना होगा, किस तरीके से आप को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, पूरा डिटेल में मैं आप लोग वहां पे जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो ध्यान से जो है एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहां पे आवेदन कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का जो आवेदन है उसमें कुछ गलती हो जाए, तो जिसके कारण कि आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग वहां पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान से जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, मैं आप लोग को जो पूरी जानकारी यहां पे देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे डेढ़ का सुख दो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन करने के लिए क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो आप लोग का पोर्टल बनाया गया है, इसी पोर्टल पे जो आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आप लोग का सामान्य प्रश्न है जिसमें कि आप लोग यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहां पे अपलोड करना होगा और कहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वहां पे क्या क्या ऑप्शन है वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट बताया गया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है जिसमें कि आप लोग का जानकारी दिया गया है। ऊपर देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है कि जमाकर्ता को दावा अनुरोध पत्र यानी कि आवेदन के साथ जो है क्या क्या विवरण देना होगा वो आप लोग यहां पे बताया गया है। तो जमाकर्ता के पास जो है होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए वो आप लोग को बताया गया है। ए यानी कि एक नंबर जो है सबसे पहले आप लोग का सदस्यता संख्या यहां पे होना चाहिए, यानी कि आप लोग का जो पॉलिसी नंबर हो गया, बॉन्ड नंबर हो गया, जो भी आप लोग का है आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग यहां पे जो आवेदन कर पाइएगा। सेकंड आप लोग के पास जो है जमा खाता संख्या यहां पे होना चाहिए, यानी कि जो आप लोग का पॉलिसी या फिर बॉन्ड बनाया गया था उसका जो है आप लोग का एक अकाउंट नंबर दिया गया था, वो अकाउंट नंबर आपके पास यहां पे होना चाहिए। साथ में आपके पास जो है आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो आप लोग यहां पे होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग का नहीं रहता है तो ऐसे में आप लोग यहां पे आवेदन भी नहीं कर पाइएगा। फिर यहाँ पे बताया दोस्तों कि जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने जो पैसा जमा किया है। अब यहाँ पे जो पैसा आप लोग का जमा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक साल में किए हैं, जो यहाँ पे जो है छह महीने में किए हैं, एक महीने में किए हैं, तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे पैसा जमा किए हैं तो आप लोग का जो जमा प्रमाण पत्र है यानी कि जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग का जो पासबुक दिया गया था वो पासबुक आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये दो काम आप लोग वहाँ पे करना है, या तो आप लोग का रिसिप्ट आपके पास उपलब्ध है तो वो आप लोग वहाँ पे रख लेना है, नहीं तो आप लोग का जो पासबुक है वो आप लोग पे रखना है। रिसिप्ट में प्रॉब्लम ये होगा दोस्तों कि आप लोगों ने जितना भी बार में यहाँ पे पैसा जमा किया है वो आप लोगों का सारा रिसिप्ट यहाँ पे देना होगा, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों को जो पैन कार्ड देना होगा, अगर आप लोगों का जो पैसा है वहाँ पे 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप लोगों को पैन कार्ड देना यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आप लोगों का कम रहता है तो आप नहीं भी दीजिएगा तो भी आप लोगों पे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जानकारी दिया गया, ये सभी जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है ये आपके पास यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने में किस तरीके से आपको अपलोड करना होगा, किस तरीके से आप लोगों का ओपन होता है, कहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। वहां पे मैं आप लोगों को वहां पे जानकारी देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को वहां पे होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज का आप लोगों को और ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पे जो आप लोगों को पैसा मिल रहा है, मैं आप लोगों को वहां पे दिखाता हूं पीडीएफ। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को वहां पे जानकारी दिया गया, मैं यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को वहां पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को वहां पे लगाना होगा, क्या क्या डिटेल आप लोगों को भरना है। तो तीन नंबर में आप देखिए यहां पे आप लोगों को जानकारी दिया गया कि क्या क्या आप लोगों को भरना होगा। सबसे पहले आप लोगों का जो सोसाइटी का नाम होगा, यानी कि जिस सोसाइटी में आप लोगों ने पैसा लगाया था, जिस भी कंपनी में आप लोगों ने पैसा लगाया था वो आप लोग वहां पे जो है डालना है। फिर आप लोग का जो मेंबरशिप नंबर होगा वो आप लोग वहां पे डालना है। फिर खाता संख्या यहां पे डालना है। फिर पासबुक नंबर यहां पे आप लोगों को डालना है। फिर खाता कब खोला गया था वो डेट आप लोग वहां पे डालना है। फिर जमा योगदान राशि यानी कितना आप लोग वहां पे पैसा जमा था वो टोटल आप लोग वहां पे बताना है। फिर यहां पे बताया गया कि कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है यानी कि कोई पैसा आप लोग को मिला है तो वो आप लोग पे बताना है। उसके बाद यहां पे बताया गया कि क्या आपने जो सोसाइटी से ऋण लिया है तो वो आप लोग को बताना है, अगर नहीं लिया है तो आप लोग वहां पे छोड़ देना है। फिर यहां पे देख पाओगे जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी कि यहां पे जो जमा आप लोगों ने किया है, जैसे कि आप लोगों का जो रिसिप्ट हो गया या फिर पासबुक हो गया, उसका जो आप लोग को स्कैन करके यहां पे जो जेपीजी या फिर पीडीएफ में जो यहां पे अपलोड करना होगा, जितना भी आप लोग का रसीद है सारा रसीद को एक बार स्कैन कर लीजिएगा और 3 MB से कम में जो पीडीएफ बनाकर आप यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहां पे लगने वाला है। अब जैसे आप यहां पे डिटेल अपलोड कीजिएगा, आप लोगों का एक जो फॉर्म है, एक जो पपत्र है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से यहां पे ओपन होगा। यहां पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से 4 नंबर में जो है आप लोगों का एक पपत्र यहां पे ओपन होगा। इस फॉर्म को आप लोगों को यहां पे डाउनलोड करना है, कुछ डिटेल आप लोगों का पहले से भरा हुआ रहेगा, फिर आप लोगों का जो डिटेल यहां पे भरा हुआ नहीं है वो डिटेल आप लोगों को यहां पे लगाना है, वो आप लोगों को यहां पे जो डिटेल भरना है और फिर आप लोगों को स्कैन करके दोबारा जो यहां पे 5 नंबर यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहां पे जो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से बताया गया है। यहां पे जो 5 नंबर में आप लोगों को यहां पे अपलोड कर देना है। यहां पे देखिए दावा आवेदन पत्र यहां पे है, तो ये जो आप लोगों का फॉर्म था वो फॉर्म आप लोगों को यहां पे अपलोड कर देना है। पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड का जो कॉपी होगा
वो आप लोग वहां पे अपलोड करना है, और यहां पे अपलोड करने पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो डिटेल है वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग का अपलोड करना है वो मैंने आप लोग वहां पे बता दिया, सब कुछ मैंने आप लोग वहां पे डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहां पे लगने वाला है। अब अगर आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है तो इस वीडियो के बाद आप लोग को वो वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसमें मैं आप लोग को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोग वहां पे ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग वहां पे लगने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, गरीब वीडियो पसंद आता लाइक के स्टोर को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के स्टोर को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।